वेलकम टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल दिस इज़ डेली न्यूज़ पेपर वीडियो इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़ पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी यू पी एस सी प्रपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल अगैन नोबल प्राइज विनर से रिलेटेड है तो जैसा कि हम देख रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के नोबल प्राइजेस अनाउंस हो रहे हैं इससे पहले मेडिसिन और फिजियोलॉजी का अवार्ड अनाउंस हुआ कल हमने फिज़िक्स के अवार्ड की बात की आज हमारे सामने केमिस्ट्री के नोबल प्राइज़ विनर्स को अनाउंस किया गया है सो so, 2023 ट्वेंटी थ्री नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इज़ अवार्डेड टू थ्री केमिस्ट जिनके नाम हैं एलेक्सी एकमोव लुइस ब्रूस एंड मोंगी बैवेंडी नाउ इन तीनों को केमिस्ट्री नोबल प्राइज मिला है क्योंकि इन तीनों ही केमिस्ट ने क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और इसकी सिंथेसिस के ऊपर काम किया है सो so, जो मेन चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई नोबेल प्राइज़ मिला क्यों है दिस नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स तो ये टॉपिक साइंस एंड टेक प्रस्पेक्टिव से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सो वेन वी टॉक अबाउट क्वांटम डॉट्स क्वांटम डॉट्स आर बेसिकली नैनो पार्टिकल्स दे आर सो टाइनी इनका जो साइज़ है ये इतना ज़्यादा कम है दे आर सो टाइनी इन साइज कि जिससे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिटरमाइन हो रही हैं इतना मतलब जहाँ जहाँ इनकी एप्लीकेशन हो रही है जो जो प्रॉपर्टीज़ ये क्वांटम डॉट शो कर रहा है उसका नंबर वन फीचर ही क्या है दैट दे आर वेरी टाइनी इन देयर साइज ये इन दिज आर स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ नैनोटेक जिसकी वजह से चाहे वो टेलीविजन्स के अंदर लाइट यू you नो know, प्रोड्यूस करना हो या फिर एल ई डी लैम्प्स हो वहाँ तक इसका यूज़ हो सकता है एंड इवन मेडिकल साइंस में अगर कोई ट्यूमर टिश्यू रिमूव करना है तो सर्जन्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं नाउ एवरीबडी जो आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि uh, जो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं राइट right? और जब हम मैटर को नैनो डायमेंशन तक ले जाते हैं मतलब बिल्कुल आप नैनो डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन्स को भूलकर क्वांटम फिनोमेना की बात करते हैं बिकॉज दिस एंटायर फिनोमेना डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द मैटर अब ये जो नोबल ऑरियट्स हैं जिनको ये प्राइज मिला है ये सक्सेसफुल हुए हैं ऐसे पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए दैट देर इज देयर साइज इज सो स्मॉल दैट इट इज़ डिटर्माइंड बाई कोांटम फिनमिना अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि अब इनके ऊपर क्वांटम फिनिना अप्लाई होता है दीज पार्टिकल्स आर क्वान्टम डॉट्स और इनकी नयोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ये इतने छोटे हैं मतलब वी वी नीड टू अंडरस्टैंड सपोज करें कि वी हैव दिस अर्थ ठीक है और इस अर्थ के ऊपर कहीं एक फुटबॉल पड़ी है राइट right? इस पूरी हमारी अर्थ के ऊपर कहीं पे एक फुटबॉल पड़ी है जो इनके बीच में साइज का रेशियो है समझ लीजिए वो रेशियो एक फुटबॉल और एक आपका क्वांटम डॉट का है द सेम साइज रेशियो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ के ऊपर एक फुटबॉल एक फुटबॉल और एक अर्थ की आपस में जो साइज़ की रेशियो है वो रेशियो एक क्वांटम डॉट और एक फ़ुटबॉल की है दीज आर सो टाइनी इन साइज और जिसकी वजह से क्वांटम डॉट्स को की एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा यू नो आप अलग अलग फील्ड में से यूज़ कर सकते हैं आप कंप्यूटर मॉनिटर्स की स्क्रीन को एलिमिनेट करने के लिए क्वांटम डॉट्स यूज़ किया जा सकता है जो हम सुनते हैं क्योंकि ये जो टीवी है ये क्यू एल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है आपने सुना होगा दिस इज़ दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये वाले टी बहुत महंगे हो रहे हैं क्यों बिकॉज ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बने हुए हैं क्यू एल ई इनके अंदर भी क्या यूज़ होता है क्वांटम डॉट्स आपके एल ई डी लाइट्स एल ई डी लैम्प्स बायो केमिस्ट डॉक्टर्स ये सब बायोलॉजिकल टिश्यू को मैप करने के लिए सर्जरीज के लिए क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सो इट्स ब्रिंगिंग ग्रेट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड एंड इससे जो फ्यूचर है इवन हम ये तक देख रहे हैं कि ओके इन फ्यूचर वी कैन हैव फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स हम बहुत ही यू नो वेरी टाइनी सेंसेस डेवलप कर सकते हैं हमारे जो सोलर सेल्स हैं ये और पतले हो सकते हैं और थिनर हो सकते हैं और क्वांटम कम्युनिकेशन को कम्प्यूटर्स इन सब में इनका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल तक हो सकता है और इसी चीज़ को अवॉर्ड करते हुए इन नोबल नॉरेट्स को नोबल प्राइज़ दिया गया है इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कारगिल से आया है कारगिल की जो फिफ्थ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वहाँ पे इलेक्शंस हुए एंड 77.61 परसेंट का टर्न आउट वहाँ पर देखने के लिए मिला है एंड um, जब से यूनियन टेरिट्री बना है लद्दाख 2019 में उसके बाद का ये पहला इलेक्शन था और काफ़ी बड़े नंबर पे टर्न आउट्स मिले हैं नाउ एक बेसिक चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ दैट इज़ यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट कि ये जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं ये क्या है तो समझिए इस बात को कि जब हम हिल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं तो ले और कारगिल इन दोनों की अपनी और सेपरेट ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं और ये जो काउंसिल्स हैं इनकी डेवलपमेंट नाइनटीन में हुई थी थ्रू एन एक्ट जिसे कहा जाता है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स एक्ट इसके बेसिस पे ले और कारगिल के पास सेपरेट ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं अब 2019 में हम सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्किट किया गया इनटू टू यूटीज एंड लद्दाख वाज यू नो सीन वेलकमिंग दिस रीऑर्गेनाइजेशन एंड एज इट टर्न आउट दैट द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ओवर लद्दाख कंसर्न तो डिफरेंट डिफरेंट जो डिमांड्स थी वो इन टू तो डिस्ट्रिक्ट से उठ रही थी लेह और कारगिल से एंड जिसकी जिसमें ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हालांकि ये जो काउंसिल्स हैं इनके पास कोई लेजिसलेटिव पावर्स नहीं होती दीज काउंसिल्स आर इलेक्टेड इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं कि कोई जो लैंड उनके पास है उसकी किस तरह अलॉटमेंट करनी है क्या यूज़ करना है उस लैंड का विच इज़ गिवन टू देम बाय सेंटर कुछ पावर्स उनको मिलते हैं कि आप लोकल टैक्सेस ले सकते हैं कहीं पे कोई पार्किंग फीस है कोई शॉप के ऊपर कोई टैक्स है ऐसी पावर्स इन्हें मिली हैं बट कोई लेजिस्लेटिव पावर इस ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पास नहीं होती जो रियल पावर्स हैं वो मेनली जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास है राइट right? सो so, ये एक लद्दाख का जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था न्यूज़ में है तो इसीलिए हमें मालूम होना चाहिए बाकी आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में यू रीड अबाउट यू नो सिक्स शेड्यूल वो कहाँ कहाँ पे अप्लाइड है फिफ्थ शेड्यूल क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल में आप अपनी पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ते हैं और आदर जो आपका वीकली करंट अफेयर डिस्कशन होगा वहाँ पर आप इसे ग्रेटर डायमेंशन में डिस्कस करेंगे अभी आपको पता होना चाहिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई ले और कारगिल के पास अपनी खुद की ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि 1997 में बनी थी और अब 2019 के बाद कारगिल में पहली बार इलेक्शन हुए हैं और बड़े नंबर पर यहाँ पे यहां हमें पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला है आगे बढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फिफ्थ पॉजिटिव इंडेनाइजेशन लिस्ट रिलीज़ की है बेसिकली इसके अंदर 98 आइटम्स ऐसी लिखी गई हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट चाहे वो हमारे तीनों सर्विस हो एयर आर्मी नेवी इन 98 आइटम्स की जो प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक सोर्स से की जाएगी बेसिकली इसका मेन फोकस क्या है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस के वो इक्विपमेंट्स वो पार्ट्स जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्ट ना करके हम उन्हें डोमेस्टिकली सोर्स करें ताकि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो सके एंड वी सब्सटीट्यूट दोज इम्पोर्ट्स कुछ इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स वेपन सिस्टम्स हैं सेंसर्स हैं इन सब की डेवलपमेंट कहाँ पर हो इंडिया में हो डोमेस्टिकली सोर्स हो सेम टाइम पे नेवी की भी जो अपडेटेड इंडनाइजेशन रोड मैप है काफ़ी टाइम से न्यूज में है स्वावलंबन लंबन 2.0 ये बेसिकली सेकेंड एडिशन है नेवल इनोवेशन एंड इंडनाइजेशन दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ दैट पहले प्राइम मिनिस्टर ने स्प्रिंट चैलेंजेस को लॉन्च किया था ब्लास्ट ईयर जब ये नेवल इनोवेशन और इंडनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी तो इस प्रिंट में बेसिकली यही था कि भाई हमें हमारी जो इंडिजीनियस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज नेवी नेवल फोर्सेस में बढ़ाना है तो उसी के चलते अब हमारे पास इसकी सेकेंड एडिशन जिसे हम स्वावलंबन टू पॉइंट ओ बोलते हैं इसका रोड मैप भी यहाँ पे रिलीज किया गया जिसका मेन एम यही है कि हमें इंडिजीनियस इंडिनाइजेशन जो है उसे बढ़ाना है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल टर्मरिक बोर्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अनाउंसड इट नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो कि नाम बता रहा है दिस इज दिस वुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी कंट्री में टर्मरिक हल्दी की प्रोडक्शन और इसको प्रमोट करने के लिए काम करेगी इसका मेन एम है कि जो टर्मरिक फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके ऑल अक्रॉस द इंडिया जहाँ जहाँ टर्मरिक फार्मर्स प्रेजेंट हैं उनकी यू you नो know, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टर्मरिक प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ टर्मरिक प्रोडक्शन इन सबको देखने के लिए अब एक बोर्ड बन चुका है नेशनल टर्मरिक बोर्ड टर्मरिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मरिक का साइंटिफिक नेम है कॉर्क्यूमा लोंगा कॉर्क्यूमा लौंगा दिस इज दर्मरिक ये एक यू नो कॉन्डिमेंट है इसे आप एज अ डाई यूज कर सकते हैं इट्स इट कैन बी यूज एज अ ड्रग ऑलो हम सबको पता है कि हल्दी की कितनी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं इंडियन कल्चर में कुछ भी होता है हम बोलते हैं हल्दी वाला दूध पी लो ठीक हो जाएगा चोट लगी है हल्दी वाला दूध पी लो है न कि सो इट हैज़ एन एंटी इन्फ्लेट्री प्रॉपर्टीज इसे कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ किया जाता है अब इंडिया के लिए टर्मरिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टर्मरिक दुनिया भर में नंबर वन टर्मरिक प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है इंडिया एंड हम लीडिंग प्रोड्यूसर भी हैं और लीडिंग एक्सपोर्टर भी हैं बाकी कंट्रीज़ में भी जो टर्मरिक जाता है उसका बड़ा नंबर कहाँ से आता है फ्रॉम इंडिया ओनली हमारे पास जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो टर्मरिक प्रोड्यूस करती हैं मेनली आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा कर्नाटका वेस्ट बंगाल गुजरात महाराष्ट्र आसाम मेघालय ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे मेनली टर्मरिक ग्रो किया जाता है जिनमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र दीज आर दी मेजर टर्मरिक ग्रोइंग स्टेट्स हमारे पास इवन देर आर नंबर ऑफ कल्टिवेटर्स जो कि यू नो इसे ग्रो करते हैं अलग अलग वराइटीज भी हैं हमारे पास यू नो टर्मरिक की टर्मरिक को हर खाने में डाला जाता है इट एड्स फ्लेवर टू इट सो टर्मरिक को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं डाई बनाने के लिए टर्मरिक को मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं सो इट हैज अ लॉट ऑफ यूजेज इन इंडिया अब एक जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपल बात ये पता होना चाहिए कि टर्मरिक की ग्रोइंग कंडीशन कौन सी हैं अगैन डिटेल में आप अपनी क्लासेज में पढ़ोगे एक ब्रीफ नॉलेज आपको ये होनी चाहिए कि टर्मरिक को ग्रो करने के लिए हमें ट्रॉपिकल कंडीशंस चाहिए वी नीड ट्रॉपिकल कंडीशंस टू ग्रो टर्मरिक तो जो आपका सी लेवल है सी लेवल से लेकर अप टू 1500 मीटर्स तक की हाइट तक आप जो है वो टर्मरिक को ग्रो कर सकते हैं टेम्परेचर इसको हाई चाहिए कुछ ट्वेंटी से अगर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जहाँ पे मेंटेन रहता है वहाँ पे आपको टर्मरिक मिलेगा विद ऑल्सो मॉडरेट रेनफॉल फिफ्टीन हंड्रेड एम की अगर रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में टर्मरिक ग्रो कर सकते हैं अलग अलग तरह की सॉइल में टर्मरिक ग्रो हो जाता है बट बेस्ट सॉइल रहती है कि अगर वो वेल well ड्रेन हो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए पानी ड्रेन होना चाहिए सैंडी और क्लोई क्ले सॉइल जो है वहाँ पे टर्मरिक ग्रो हो जाता है सो ये कुछ आइडिया आपको टर्मरिक का होना चाहिए एंड नाउ वी हैव द नेशनल टर्मरिक बोर्ड फॉर द सेम नेक्स्ट हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं एन 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 आई आई एफ ये न्यूज़ में है सो so, ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वॉट इज एन ये एक गवर्नमेंट बैग्ड एंटिटी है जिसका मेन एम क्या है कि हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रेजेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए हमारे पास कैपिटल बिल्डअप करने के लिए ये फंड बनाया गया है इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस फंड में इंडिया का शेयर फोर्टी नाइन परसेंट है तो इंडिया का शेयर सिर्फ फोर्टी नाइन परसेंट है बाकी का जो आपका शेयर है फिफ्टी वन परसेंट जो आपका शेयर है वो और फॉरेन चाहे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके पास है गवर्नमेंट का शेयर सिर्फ और सिर्फ कितना है 49 परसेंट जिस वजह से देखो हालांकि सिग्निफिकेंट स्टेक ऐसा नहीं है कि कम है 49 परसेंट स्टेक किसका है सेंटर का है इसीलिए लिए एन को कहा जाता है दैट दिस इज इंडियाज कोजी सॉवरन क्वाजी सॉवरन वेल्थ फंड क्वाजी सॉवरन वेल्थ फंड बिकॉज सेंटर हैज़ 49 नाइन परसेंट स्टेक्स इन दिस इसे 2015 में बनाया गया था ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है एंड इट हैज़ इस फंड के अंदर तकरीबन फोर पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर्स का कैपिटल रखा जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है तो देखो बेसिक आइडिया क्या है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फ़ंड बनाया गया है अब जो बाकी का फिफ्टी वन परसेंट है उसमें कोई फॉरन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर पार्टो पार्ट लेगा तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया जापान फंड जिसे लेकर न्यूज़ भी आई है अब इंडिया जापान फंड क्या है Um, हमारे पास एक एम ओ यू साइन होता है बिटवीन एन आई आई एफ एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसका पर्पज़ क्या है कि भाई एक पहला बायलेटरल फंड बनाया गया है मतलब एन आई आई एफ और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल यू नो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इनके बीच में एक फंड बनाया गया है जिसे हम कहते हैं इंडिया जापान फंड जिसमें इन दोनों ही एंटिटीज़ के बीच में यू नो कंट्रीब्यूशंस होंगी और ये टू लास्ट ईयर इसी टाइम पे आई थिंक 2022 में इसे अनाउंस किया गया था जिसका मेन एम क्या है कि भाई इंडिया के अंदर या फिर जो जापान है हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जापानीज इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में हो रही हैं उनके ऊपर काम करने के लिए ये एक जॉइंट फंड बनाया गया बिटवीन इंडिया एंड जापान अब वही हुआ अब क्या हुआ है कि जो कोलाबोरेशन हुआ है इन दोनों ही बॉडीज के अंदर एक तो आपका हो गया इंडिया का एन और दूसरा हो गया जापान का जे जिसका फुल फॉर्म है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अब ये जो फंड बनाया गया था इंडिया जापान फंड इसके अंदर सिक्स हंड्रेड मिलियन डॉलर्स को डाला गया है एनवील किया गया है और इसका मेन फेक फोकस क्या है कि भाई इंडिया में जितनी भी जापानीज इन्वेस्टमेंट्स होंगी या हैं उनका इन्वायरमेंट सस्टेन सस्टेनेबल होना कार्बन uh, जो रिलीज़ है कार्बन इमिशंस जो है वो कम से कम होना तो इस चीज़ को इनहैंस करने के लिए और ताकि इंडिया के लिए जापान हमेशा पार्टनर ऑफ चॉइस हो व्हेन इट कम्स टू यू नो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इस फंड में इतने पैसे डाले गए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एन क्या है और ये इंडिया जापान फंड क्या है इसके अलावा हमारे पास आज ग्रीन शिपिंग प्लान की बात पेपर में हुई है सो वी हैव दिस नेशनल एक्शन प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग बेसिकली इसमें क्या है कि जब शिपिंग होती है तो इसमें इमिशन कम से कम हो इको फ्रेंडली हो पोर्ट्स मैनेजमेंट एफिशिएंट तरीके से हो एवरी पार्ट जो कि शिपिंग सेक्टर में आता है चाहे वो रेगुलेटर्स हो, पोर्ट अथॉरिटीज़ हो, कम्युनिटीज हो, वो सब सामने आए और इको फ्रेंडली तरीके से शिपिंग की जाए ये इंडिया का एम है कि हमारा जो मेरीटाइम सेक्टर है उसे इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए अब इंडिया की जो ग्रोथ है Uh, इसमें इंडिया का मेरीटाइम सेक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ग्रोथ रेट चल रही है बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन हमारा जो मेरीटाइम सेक्टर है वो ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी अचीव करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सो इन दैट हमारी पोर्ट कपेसिटी को बिल्डअप करना क्लीन एनर्जी फ्यूल हब्स बनाना क्रूज uh, टूरिज़म को प्रमोट करना शिप बिल्डिंग करना रिसाइकिलिंग करना इन सभी के अंदर हमें हमारा एक चीज क्लियर रखनी है दैट वी नीड टू फॉलो ग्रीन शिपिंग प्रैक्टिस हमारी जो शिपिंग है वो इको फ्रेंडली तरीके से हो सो नेशनल प्लान फॉर ग्रीन शिपिंग अब आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं वी यू राइटिंग डिफरेंट आर्टिकल्स क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है टू रिड्यूस आर कार्बन एमिशन एंड टू गो इको फ्रेंडली यू मस्ट रिमेंबर ग्रीन शिपिंग नेक्स्ट आज के न्यूज़ में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है फ्राम इंडियन फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिकल जो कि पॉपुलेशन साइज और किस तरह पॉपुलेशन साइज और पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन अफेक्ट होती है इसमें डिलिमिटेशन की बात हुई है कि हमारी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इनका बेसिस है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो सेम होनी चाहिए तो नॉर्थ और साउथ इंडिया का पॉपुलेशन के बेसिस पे नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड है जो सदरन स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को एफिशिएंटली uh, इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल हुई हालांकि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल नहीं हुई रादर वी हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट अब इससे क्या हो रहा है साउथ इंडिया की जो पांच स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम है और नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है सो वी हैव दिस पॉपुलेशन डिवाइड अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि भाई पॉपुलेशन डिवाइड से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होनी चाहिए अगर हम ये कहते हैं कि हर एक कॉन्स्टिटेंसी की पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए तो उस हिसाब से अगर अब न्यू डीलिमिटेशन होती है तो साउथ इंडिया की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो सकती है और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकती है इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है कि भाई ये तो पनिशमेंट हुई उन स्टेट्स के लिए जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज को मेजर्स को अडॉप्ट किया अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की लेकिन बदले में उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो गई और इस आर्टिकल में कुछ ऐसे कंट्रीज के एग्जांपल दी गई है कि वो एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उल्टा उन एरियाज को प्रमोट करने के लिए पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन ज्यादा दी जाती है तो क्या प्रस्पेक्टिव होना चाहिए पॉपुलेशन और पोलिटिकल uh, रिप्रेजेंटेशन का वो इस आर्टिकल में दिया गया है दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अब हम सबको पता है कि इंडिया में फाइनेंस कमीशन है जो कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन uh, होना है सेंटर का टैक्स का टू द वेरियस स्टेट्स स्टेट डिटरमाइन करता है एंड अगेन अगर इसके अंदर पॉपुलेशन या फिर पर कैपिटा इनकम आती है तो वो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ और साउथ डिवाइड क्रिएट करती है सिंपल बात है अगर कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अगर आप नंबर्स देखेंगे कि वहाँ पे फिर हेल्थ डिमांड uh, के लिए ज़्यादा ग्रांट देनी होगी एजुकेशन अदर सोशल सिक्योरिटीज एज़ कम्पेयर टू दो स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो अगेन ये प्रस्पेक्टिव आता है कि ओके okay, वो स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको सेंटर से ज़्यादा यू नो आपको सपोर्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन कम है अगेन तो क्या ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उन स्टेट्स के लिए जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कम की तो बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन फेडरलिज्म का पॉपुलेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक प्रस्पेक्टिव को कवर कर रहा है सो प्लीज टू रीड अबाउट इट नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंट आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं या फिर इसमें आपको कुछ न्यू टर्म्स देने वाला है पहली चीज़ इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी बोली गई है कि क्लाइमेट चेंज नहीं ये क्लाइमेट पॉली क्राइसिस है ये इतना इंटरकनेक्टेड है और इस क्राइसिस के इतने कंपाउंडिंग इफेक्ट है कि हर एक सेक्टर हर एक सेक्टर यहाँ पे इससे अफेक्ट होता है तो इसीलिए क्लाइमेट पॉली क्राइसिस है और इस क्लाइमेट पॉली क्राइसिस का एक पॉली सोल्यूशन इस आर्टिकल में दिया गया है वो है कार्बन अकाउंटिंग कि भाई जिस तरह हम इनकम को अकाउंट करते हैं प्रोडक्शन को अकाउंट करते हैं इंडिविजुअल से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक कौन कितनी कार्बन रिलीज़ कर रहा है सिंपल बात आप ले सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं एक एवरेज पर्सन मंथ में कितना फ्यूल बर्न कर रहा है और कोई पर्सन गेढ़ी लगा लगा कर कितना एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न कर रहा है इस चीज़ों की कार्बन अकाउंटिंग की जाए तो वो लोग जो ज़्यादा कार्बन रिलीज कर रहे हैं उनका फुटप्रिंट जिनका ज़्यादा है उनसे आप उसी तरह कार्बन टैक्स ले सकते हैं तो इसमें बड़ा अच्छा प्रस्पेक्टिव दिया गया है ऑफ कार्बन अकाउंटिंग कि किस तरह इंडिविजुअल लेवल से लेकर आप यू नो कंट्री लेवल तक कार्बन अकाउंटिंग अगर करेंगे अगर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पर क्या हो रहा है तभी अगर हमारा जो एम है टू गो कार्बन न्यूट्रल हम ऐसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं सो इट्स अ ब्यूटिफुल आर्टिकल डू रीड अबाउट इट नेक्स्ट आर्टिकल अगेन व्यूमन रिप्रेजेंटेशन को लेकर है एक बात तो ये है कि हमारा जो वेमेन रिजर्वेशन बिल आया था उसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है जिसकी वजह से अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वन हंड्रेड एंड सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में वेमेन के लिए वन थर्ड सीट्स को रिजर्व करता है इसी के साथ साथ ये वो टाइम भी है जब तीस साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में एक और रिफ़ॉर्म आया था जिसने हमारी लोकल रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जो कि पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज हैं उसमें सीट्स के लिए रिजर्व की थी वी आर टॉकिंग अबाउट सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तीस साल पहले विमेन रिप्रेजेंटेशन इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में की गई थी बड़ा अच्छा आर्टिकल है जो कि आपको स्टेटस शो करता है दैट वॉट वी अचीव्ड In the last thirty years, since we have given women one-third representation in the local bodies, so it's a good, you know, um, um, idea of how it has performed. So please do read about it. So that is all for today's video. ke video I will see you all in my next one. Thank you.